छुट्टी था तो हम लोग पूरा के दिन रेस्ट मिला था, काफ़ी टाइम मेरे पास बच गई थी, तो मैंने सोचा कि क्यों ना आज मैं एक मूवी देख लूँ। बहुत दिनों के बाद मैं आज सोच रही थी मूवी देखने के लिए, क्योंकि बहुत दिन हो गया था मूवी देखे हुए, बहुत दिनों से मैंने कोई मूवी नहीं देखी थी, तो मैंने सोचा क्यों ना आज एक मूवी देख लिया जाए। और मैंने मूवी देखा, मैं थोड़ा सा फ़नी टाइप का मूवी देखती हूँ जब मेरे पास टाइम मिलता है, क्योंकि लाइफ में इतने टेंशन रहते हैं ना कि कोई टेंशन वाला मूवी देखने का मन नहीं करते रहता है, बिकॉज लाइफ में इतनी खुद की टेंशन रहती है। और रोने धोने वाला मूवी, मैं थोड़ी सी इमोशनल टाइप से हूँ कि मैं बहुत जल्दी किसी भी सीन को देख के, इमोशनल सीन को देख के थोड़ा सा रोना धोना शुरू कर देते, तो इसलिए मैं फ़नी टाइप का मूवी देखती हूँ। बहुत मज़ा आया, और कैसे 2-3 घंटे निकल जाते हैं पता नहीं चलता अगर इस टाइप का, और मूड भी फ्रेश हो जाता है। मन जो उदास होती है किसी बात को लेके, लाइफ में जो कोई टेंशन होती है, तो वो भी फ्रेश हो जाता है। तो मैं सभी को सजेशन करूंगी कि अगर किसी के पास टाइम बचता है तो वो फ़नी टाइप से मूवी, कुछ भी फ़नी टाइप से कॉमेडियन सीरियल कुछ भी देखे, ताकि उसका मूड जो चेंज हो जाए और फ्रेश महसूस करे, ताकि फिर से काम करने में आगे बढ़ने में उसे हेल्प मिल सके। छोटी थी तो मुझे याद है कि दूरदर्शन और DD2 आता था, तो उस समय जो है न्यूज़ के बाद मतलब मूवी स्टार्ट होती थी फ्राइडे और सैटरडे। फ्राइडे को आधा दिखाया जाता था और फिर सैटरडे को आधा दिखाया जाता था। करीब 9:30 के आसपास न्यूज़ ख़त्म होने के बाद तो हम लोग खाना खा के बेड पर जाते थे, तो मेरी सिस्टर जो है वो अक्सर बोलती थी कि आज तो मैं पूरा मूवी देखूँगी, बिकॉज कल संडे है, छुट्टी है, तो आज मैं पूरा मूवी देख के ही सोऊंगी। लेकिन जैसे ही बेड पर जाती थी कि उसे नींद आ जाता था, सो जाता था, जैसे न्यूज़ खत्म होता था और उसे बोलते थे अंशु आज मूवी स्टार्ट हो रही है अब उठ जाओ, तो देखते थे कि वो सो गई है। तो बचपन जो होती है बहुत अच्छा होता है, वो सब बातें जो याद आती है तो सोचते काश अभी के टाइम में भी कुछ ऐसा ही फनी टाइप से होता, वो खेलना, वो मम्मी की बातें निगलेक्ट करना। लाइफ बहुत चेंजेस हो जाती है जैसे जैसे आप बड़े हो जाते हो, तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ती जाती है, पहले स्कूल से कॉलेज, कॉलेज से फिर जॉब, जॉब से फिर शादी, शादी से बच्चे, मतलब ऐसे आप उलझन में फंसते जाते हो ना कि फिर वो यादें याद करने के लायक ही रहती है, बस याद करके आप रह जाओ, कुछ कर नहीं सकते हो। और जितने भी फ्रेंड्स होते हैं स्कूल के, कॉलेज के, उस सब के कहीं पर जॉब के कारण तो कहीं पर शादी के कारण इतने दूर डिस्टेंस चल जाते हैं कि सोशल मीडिया के अलावा और कभी कनेक्ट नहीं हो पाते हैं, तो वो सब यादें जो है जब याद आती है तो बहुत ही इमोशनल कर जाती है, बहुत अच्छा लगता है। फिर बहुत अच्छा हवा आ रहा है तो बहुत मज़ा आ रहा है, और कुछ पुरानी यादें जो है वो भी याद आ रही हैं तो और भी अच्छा लग रहा है। 4 भाई बहन थे और सबसे बड़ी मैं थी, तो मेरा ही सब पे हुक्म चलता था और सबको मेरी हुक्म माननी पड़ती थी। फिर धीरे धीरे जैसे जैसे सब बड़े हो गए, सब अलग हुए, कोई पढ़ने के लिए, कोई जॉब के लिए, सब अलग हुए, मेरी शादी हो गई, मेरी सिस्टर की भी शादी हो गई। अब जब हम लोग आते हैं तो बात करने के लिए तो टाइम ही नहीं मिलता है, लड़ाई कहाँ से करेंगे। पहले तो रिमोट के लिए मतलब पानीपत की लड़ाई हो जाती थी मेरे घर में, कितना दिन तो पापा गुस्सा के मारे रिमोट तोड़ देते थे। हमारे घर में तो एक टीवी और कितने रिमोट चेंज हुए होंगे पता नहीं। अगर हम लोग नहीं जीतते थे तो सोफा पर जो कुशन रखा हुआ था हम लोग कुशन से मार कर लेते थे, ये भी नहीं समझते थे कुशन से चोट किसको लगेगी, लेकिन फिर भी मार करना, लड़ाई करना, ऐसा कौन सा वर्ड है जो हम लोग एक दूसरे पर नहीं चलाते थे कि हम जीत जाए तो हम जीत जाए, मतलब ऐसा। वो सब बातें जब याद आती है तो लगता है काश फिर से वो दिन आ जाता, काश फिर से हम लोग छोटे हो जाते। बहुत ज़्यादा हम लोग पापा के आने से पहले इतना लड़ते थे, लेकिन जैसे ही पास सुनते मम्मी बोलती थी आ गए पापा, सब अपने अपने जगह फिट बैठ जाते थे, कोई पढ़ने के लिए, कोई कुछ, जिसका जो काम रहता था वो वहाँ बैठ जाता था। ये सब दिन जब चल जाती है तो वापस नहीं आती रहती है, मुझे ऐसा लगता है। बातें ऐसी भी है जैसे कि जो काम आप मम्मी पापा के राज में कर लेते, जो ऐस मौज मम्मी पापा के राज में कर लेते, जब खुद पे आते तो वो नहीं कर पाते हैं, क्योंकि बहुत सारे ऐसे चीज़ें हैं जैसे कि एक शैम्पू लिया मैंने, फिर टीवी में दूसरा शैम्पू एडवर्टाइज देखा, दूसरा साबुन एडवर्टाइज, तो वो शैम्पू का डब्बा भरा है तो क्या हुआ, लेकिन मुझे वो वाला शैम्पू चाहिए जो अभी एडवर्टाइज दे रहा है। लेकिन खुद पे आए तो सोच समझ के शैम्पू लेते हैं जो सूट करता है, जो अच्छा लगता है।
तो जिसकी प्राइस भी कम होती है तो हम वो लेना प्रेफर करते हैं, क्योंकि हम खुद एक पेरेंट्स बन गए रहते हैं, हम खुद एक पेरेंट्स हैं। तो अब ये चीज़ हमारे बच्चे पे लागू होगी और हम लोग बहुत सोच समझ के चलना पड़ता है। लेकिन मम्मी पापा के राज में ऐसा कुछ नहीं था, हम लोग बहुत इंजॉय करते थे, बहुत ऐश मौज करते थे। कभी जो है मम्मी बोलती भी थी, अरे ये सामान क्यों मंगा रही हो, तो ऑलरेडी है। तो मेरे पापा बोलते भी थे, ले लेने दो, ले लेने दो, जो अभी हमारे राज में खरीद लेगी, कर लेगी, घूम लेगी, वो अपने राज में नहीं करेगी। उस समय हम लोगों को लगता था ये अरे मजाक है, ऐसा थोड़ी ना होता है। पर अभी सही में समझ में आ रही है कि पापा जो बोल रहे थे वो सही बोल रहे थे, कि पापा बोलते थे जब खुद कमाएगी या खुद घर चलाएगी तो इतना खर्च नहीं करेगी, इसीलिए हमारे ये में कर लेने दो इसे। जो एक अलग से देख रहे हैं कलर, रेड कलर का, पिंक कलर का, ये प्राकृतिक कलर है। ये जो है मौसम का चेंजेस है, बहुत अच्छा लग रहा है मौसम। और मैं यहाँ पे तो आने के बाद पता नहीं एक रूटीन सी बन गई है छत पे आना, घूमना, स्पेशली शाम के समय में। और क्या बोलते, बहुत ही अच्छा लगता है। इसलिए वीडियो उन बच्चों के लिए, उन लोगों के लिए है जो अभी मम्मी पापा के राज में रहते हैं और उन्हें लगता है कि ज़िंदगी ऐसे ही कट जाएगी। तो ये बातें उन लोगों के लिए, मुझे भी ऐसा ही लगता था कि ज़िंदगी ऐसे ही कट जाएगी, लेकिन जब हकीकत से सामना पड़ा, जब खुद पे आई, तो पता चल रहा है कि सत्तू में कितने पानी लगते हैं। तुम लोग अच्छा गाना सुन रही है ना, वो भी सुरीली आवाज़ में। अभी उसकी मौसी आई हुई है तो उसकी तो ऐसी है ऐसे। तुम भी ऐसा कर दिया है कि नींद नींद नींद, खाली नींद आ रही है। कितना भी जागने की कोशिश करो, सुबह उठ जाओ पर थोड़ी देर के बाद आलसी, मन सुस्त, अजीब सा लगता है, वेदर ही ऐसा है। मम्मी बोलती है आम रस, आम तो खाई नहीं, आम रसा नशा लग गया है क्या, मतलब सोने का मन कर रहा है, ये पता नहीं क्या हो गया है। पर दो बार कॉफ़ी हो चुकी है, फिर भी नींद खुलने का नाम नहीं ले रहा है। पर यहाँ पे तो बहुत आराम है, खुद नहीं बनाना पड़ता, जमशेदपुर में तो खुद ही बनाओ, खुद ही पियो, तो यहाँ पे मिल जाता है। फिर भी आलसी आज घेर के रखी है, कुछ करने का मन नहीं कर रहा है, खाली नींद आ रहा है। कोशिश कर रही हूँ कि इस नींद से बाहर निकलूँ, फिर भी नहीं निकल पा रही हूँ। ये डार्क सर्कल देख रहे होंगे आँख के सामने, तो मैं इसका DIY उपाय कर रही हूँ। थोड़ा सा लाइट हुआ है, अगर पूरी तरह से हट जाएगी तो मैं इसके बारे में ज़रूर आप लोगों से शेयर करूँगी, बिकॉज़ यू आर अ गुड फ्रेंड्स ना। तो मैं अभी तो मैं खुद ही यूज़ कर रही हूँ और थोड़ा सा लाइट हुआ है, पूरी तरह से हट ही नहीं है, जब हट जाएगी तो शेयर करूँगी आप लोगों से। चीज़ को हटने में टाइम लगता है ना, एक या दो दिन यूज़ करने से नहीं हो जाता है। चाहे आप घर का कुछ होममेड प्रोडक्ट यूज करो या केमिकल वाली मतलब मार्केट के प्रोडक्ट यूज़ करो, लेकिन फिर भी किसी भी चीज़ को रिमूव होने में हो तो तुरंत हो जाता है, मतलब 1 से 1.5 घंटा में हो जाता है। लेकिन अगर उस चीज़ को हटाना हो, उस चीज़ को रिमूव करना हो, तो उसमें टाइम लग जाती है आपको, कम से कम 1 वीक। कितना भी फास्ट वर्क करता है फिर भी 1-2 डे या 1 वीक तो लग ही जाता है इस चीज़ को रिमूव होने में। तो आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा। ओके बाय, टेक केयर।